गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता लुधियाना तो हूँ। अज मैं तुहानू डिस्कस करना चाहता हैगा कि चिट्टे दा नशा है किस तरह हिंदुस्तान दे विच या विश्व भर दे विच जिहड़ी यंगर जनरेशन हैगी है उन्हू बर्बादी कर रहा है। दोस्तों, सानू रब ने बड़ी खूबसूरत, बड़ी प्यार भरी जिंदगी दिती हुई है। अच्छे दोस्त दिते हैं, अच्छे रिश्तेदार दिते हैं, सानू अच्छा दिमाग दिता है, तंदुरुस्ती दिती है, एक परिवार है, समाज दिता है। लेकिन अपनी गलतियां के कारण कई बार असी की करते हैं, अपनी जिंदगी नू आपे ही बर्बाद कर देंगे। जिन्हों पंजाबी कहते हैं अपने पैर नू आपे घुलाड़ी मारना। कोई भी बंदा किसी नाल जबरदस्ती नशा नहीं करा सकता जब तक नशा करने वाले अपना मन ना हो। दुनिया के बीच कई किस्म के नशे जिहड़े कि नौजवान यूज करते हैं, लेकिन सब डॉक्टरों का यो एक तजर्बा है, एक एक्सपीरियंस है कि जो नशा हीरोइन का नशा है, जो आप चिट्टे का नशा भी कहते हैं, ये जिन्हों लग जाए तो छड़ना इन्ना सौखा नहीं होंदा जब तक आप प्रॉपरली इलाज ना कराइए। और नशा ऐसा है कि इन्हों आप लाइटली नहीं लै सकते। आप नहीं सोच सकते कि आप जो चार बारी नशा कर लिया, पांच बारी कर लिया, कोई गल नहीं। ये चार पांच बारी करने ही बंदे एक आदत पै जाती है, बंदा वो डिपेंडेंट हो जाता है, जिन्होंने आप कहते हैं एडिक्ट हो जाता है। और नशा इन्ना महंगा है, तुसी सोचोगे कितना महंगा हैगा। ये 3,000 तो लैके 4,000 रुपया एक ग्राम कॉस्ट करता है। और अमीर तो अमीर इंसान भी जिन्ना मर्जी जो पैसे होंगे वो वास्ते पॉसिबल नहीं होंगे कि इस नशे की पूर्ति कर सके, इन्ने पैसे खर्च के। तो मेरी यंग जनरेशन नू, यूथ नू एक ही रिक्वेस्ट हैगी है कि तुसी इस नशे के पासे ना जाओ। अगर तुहानू किसी दोस्त यार ने, मित्र ने धोखे दे नाल, गलती दे नाल ये नशे की आदत पाई हैगी है, तुसी किसी प्राइवेट या किसी सरकारी डिटेंशन सेंटर जाके डॉक्टर नू मिल के इहदा तुरंत इस अपना इलाज कराओ। और जिहड़े बंदे इहदा इलाज नहीं करते और नशे नू जारी रखते हैगे हैं, इन्नियां बीमारियां लग जांदियां, हैपेटाइटिस सी लग जाती है, हैपेटाइटिस बी लग जाती है, HIV लग जाती है, लिवर खराब हो जाता है, हार्ट की बीमारी हो जाती है, जिसम सुक जाता है, खून बनना बंद हो जाता है, अखां तुहाडी खड़ी खड़ी रह जाती हैं। और सब तो वड्डी गल हैगी है जो असी अपने तजर्बे देखिया है कि कई किस्म दियां दिमागी बीमारियां, मानसिक बीमारियां जिन्हों को मैंटल डिसऑर्डरस कहते हैं, वह भी लग जाती है। मरीज वायलेंट हो जाएगा, गुस्सा करेगा, शक करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, पैसे वास्ते उल्टे सीधे काम करेगा, नींद खराब हो जाएगी, खाना पीना बंद हो जाएगा, पढ़ाई बंद कर देगा, काम काज जाना बंद कर देगा। वो इंसान जरा चिट्टे का नशा करता है, हीरोइन एडिक्ट बन जाता है, वो परिवार वास्ते, समाज वास्ते, देश वास्ते एक बड़ी मुश्किल का एक कारण बन जाता है। वह मुश्किल अपने वास्ते भी पैदा करता है, अपने परिवार वास्ते भी पैदा करता है, और जो उधर यार दोस्त हैगे हैं, जो उधर रिश्तेदार हैगे हैं, माँ प्यो हैगे हैं, उन्हां वास्ते भी बड़ा बड़ा एक दुख का कारण बन जाता है। और मैं किन्ने जिहड़े चिट्टे दे नशा करते हैं उन्हां मैं पुछदा कि तुहानूं बच्चे इस नशा करके की मिलिया, तुहानूं कोई फायदा होया, तुहाडी कोई इनकम वधी, तुहाडा दिमाग वधिया, तुहाडी कोई इंटैलीजेंस वधी, तुहाडा कोई बिजनेस वधिया, सेहत चंगी हो गई। सब ने एक ही कहना होंगे, अंकल ये तो जी मेरा बर्बाद कर देंगे, मैं ये मेरी जिंदगी की सब नो वड्डी गलती सी, या तुसी को मेरा मन लालच आ गया सी, मैं पता नहीं सी हैगा कि धोखा हो गया मेरे नाल, ये शोक दे विच हो गया, मैं इहदा शिकार बन गया, लखां रुपए की बर्बादी हो गई, पढ़ाई मेरी छुट गई, शादी मेरी हो नहीं पा रही, जो मेरे यार दोस्त शादी हुई सी उन्हों की शादियाँ टुटन खड़िया है, वो बार बार उन्होंने अस्पताल जाना पैंदा है, कई किस्म दियाँ शारीरिक बीमारियां या मानसिक बीमारियां शिकार हो गए हैं।
ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੋਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਜ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜਕਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਦਿਲ ਦੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਡਨਲੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੱਥਾਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦਾ, ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੀਏ, ਜੋ ਬਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਿਆ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਅੱਛੇ ਸੈਂਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ, ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਓਗੇ, ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਓਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓਗੇ, ਯਕੀਨਨ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਮੁਕਤੀ ਪਾ ਜਾਓਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਇੰਪਲਾਈ ਜਾਂ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।